हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब चैनल वैकेंसी पाठशाला। तो स्टूडियो हम बात करेंगे यहाँ पे जो आपके सी टी एस एडमिशन 2023 से उसके रिगार्डिंग आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या बनाना पड़ेगा उसी के रिगार्डिंग। यहाँ पे 14 नौकरी डेट में 14 सितंबर को एक यहाँ पे कार्यालय द्वारा आदेश निकाला गया है और इसमें आपको क्या क्या बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो संस्थान सी टी आई परीक्षण 2022-23 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक दीवनाक। यहाँ पर देख सकते हो सभी ट्रेड के लिए होगा और यहाँ पर्टिकुलर दो ट्रेड दी गई है। 5-9 को जो आपका प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया गया है और प्रशिक्षण को प्रभावी संचालन हेतु दोनों व्यवसाय अनुदेशक को निर्देश किया जाता है। जितने भी अनुदेशक होंगे आपके संस्थान में, स्वयं अनुदेशक और प्रशिक्षण को नियमानुसार सभी विषयों का प्रशिक्षण रिकॉर्ड तैयार करना है। प्रति माह 10 तारीख मतलब 10 तारीख का आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा सी टी एस के समूह जो अनुदेशक है उसके द्वारा और प्रशिक्षक द्वारा। शाखा प्रभारी और उद्योग अक्षता मतलब जो आपको प्रिंसिपल होगा उसके अनुसार यहाँ पे जांच की जाएगी और अनुदेशक का स्वयं का भी होना चाहिए, मतलब का टीचर का भी बनेगा और खुद का भी रिकॉर्ड बनेगा। और यहाँ पे समय पर पूर्ण नहीं होने पर उसका अनुदेशक मतलब टीचर इसका जिम्मेदार होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ट्रेड दे रखी है जो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिकल टीचर। अनुदेशक को क्या रिकॉर्ड बनाना है तो ये आपका काम का नहीं है, आपके काम का ये है। तो अनुदेशक को ये रिकॉर्ड बनाना है जो भी अनुदेशक है टीचर है। और ये प्रशिक्षण रिकॉर्ड यानी विद्यार्थी को क्या बनाना है तो एक यहाँ पे थ्योरी का रजिस्टर बनेगा, आपका ड्रॉइंग शीट बनेगी जो ईडी का आपका है, उसके बाद में जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे आपको, डेली डायरी आएगी, डेली डायरी कैसी रहेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। उसके बाद में यहाँ पे ट्रेड प्रैक्टिकल है, ट्रेड प्रैक्टिकल में आपको प्रयोगी कॉपी बनानी पड़ेगी, प्रैक्टिकल कॉपी, जॉब शीट बनानी पड़ेगी। उसके बाद में डेली डायरी आएगी, यहाँ पर देख सकते हो डेली डायरी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको, लिखना पड़ेगा डेली क्या करना है। टीएम थ्योरी यानी ट्रेनिंग मेथोलॉजी थ्योरी है, उसका लेसन प्लान बनाना पड़ेगा वो मैं आपको बताऊँगा। इन्फॉर्मेशन शीट बनानी पड़ेगी, प्रश्नोत्तरी एमसीक्यू टाइप पीपीटी बनानी पड़ेगी जो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ ये पढ़ाया हमने। उसके बाद चार्ट बनाना पड़ेगा, डेली डायरी बनानी पड़ेगी। उसके बाद में टीएम प्रैक्टिकल में ट्रेनिंग मेथोलॉजी प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेशन प्लान ऑपरेशन शीट, यहाँ पर डेली डायरी और ट्रांसपेरेंसी शीट, चार्ट्स, मॉडल जॉब बनाने पड़ेंगे आपको। डब्ल्यूसीएस में यहाँ पे आपका डब्ल्यूसीएस की कॉपी बनेगी और डेली डायरी बनेगी, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ईडी में आपकी ईडी की फाइल बन जाएगी, उसके बाद ईडी की शीट बन जाएगी और ईडी डेली डायरी आपकी इसमें बन जाएगी। और यहाँ पे लिखा गया नोट, डेली डायरी कॉमन रहेगी, सभी के लिए कॉमन है। प्रायोगिक कार्य के लिए मटेरियल और का उपयोग लाए गए रीमेडिकल मटेरियल के यहाँ पे इंतजार की जांच करवानी चाहिए, मतलब यहाँ जांच होगी और मासिक और त्रैमासिक टेस्टों का रिकॉर्ड भी जांच होगी, मतलब जितने भी आपका रिकॉर्ड है सभी का यहाँ पर जाँच किया जाएगा। उसके बाद प्रशिक्षणों को टीचिंग प्रैक्टिस ट्रेड थ्योरी के सिलेबस पर करवानी होगी, मतलब जो आपका सिलेबस दिया गया है उसी के अनुसार होगा, जो आपका सी टी एस का सिलेबस है अलग अलग ट्रेड का अलग अलग है। उसके बाद में यहाँ पे प्रत्येक एग्जाम को 10 तो पीपीटी यहाँ पे तैयार करके दिखानी पड़ेगी, मतलब आपको पावर प्रेजेंटेशन बनानी पड़ेगी। 6 माह के पश्चात व्यवसाय प्रत्येक विद्यार्थी को टीचिंग प्रैक्टिस हेतु ट्रेड थ्योरी की समय सारणी के उपलब्ध कराई जाएगी, मतलब टीचिंग भी आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, उसकी सारणी भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि लेसन प्लान क्या है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन प्लान क्या है और ये सारी चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले ये आपका लेसन प्लान है जिसमें यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, यहाँ पे एडमिन नंबर आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी कौन सी यूनिट चल रही है, ट्रेड आ जाएगी आपके यहाँ पे, उसके बाद सेशन आ जाएगा, डेट आ जाएगी जिस तारीख को आपको बनाओगे, टाइटल आ जाएगा मतलब किस बारे में लिख रहे हो, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट मतलब टाइटल, ऑब्जेक्टिव मतलब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, इसको ख़त्म करने के बाद आप क्या सीखते हो, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे और इसको भर के भी बताऊँगा मैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगले वीडियो में टीचिंग मटेरियल आपने क्या क्या यूज़ किया है वो है, इंट्रोडक्शन आ जाएगा कि पिछले अध्याय में आपने क्या पढ़ा है उसका, मोटिवेशन की इससे आप क्या सीखते हो और बच्चों को क्या सिखाते हैं वो आएगा। उसके बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में जो आप लिखना चाहते हैं जो आपका टॉपिक है उससे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीक्स वाइज यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट और उसको शॉर्ट्स में कैसे समझा सकते हो और आपको कैसे याद रख सकते हो वो आएगा और पीछे भी यही दे रखा है। एप्लीकेशन में यहाँ पर आएगा कि क्या क्या आपने यूज़ किया है वो सारी चीज़ें, यूज़ कहाँ किया जाता है जो भी आप प्रयोग कर रहे हो, जब भी आप टेस्ट लिख रहे हो उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, असाइनमेंट क्या बच्चों को यहाँ पे क्वेश्चन दे सकते हो असाइनमेंट के रूप में, समरी इसका जो आपने पूरा यहाँ पे प्रैक्टिकल लेसन लिखा है उसका क्या समरी है, क्या सार निकलता है और अगले यहाँ पे लेसन का क्या प्लान है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन प्लान भी बनेगा, ये आपके ट्रेड प्रैक्टिकल के लिए रहेगा, इसमें भी सेम चीज़ है वही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएंगे, सेफ्टी पॉइंट आ जाएंगे, तो इस तरीके से सारी आपके डेमोन्स्ट्रेशन प्लान भी बन जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन शीट बनेगी। इंफॉर्मेशन शीट में आपके जो आपका वो है ना लेसन प्लान, लेसन प्लान के पीछे आपको इंफॉर्मेशन शीट लगेगी। लेसन प्लान में तो आपको शॉर्ट्स में लिखना है और इसमें थोड़ा आपको लॉन्ग लिख सकते हो कि आप इससे क्या सीख रहे हो। तो इस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन शीट है, और ऐसे एक और डेमो शीट भी है। ये आपकी ऑपरेशन शीट है जो डेमो शीट के पीछे लगेगी, इसमें भी वही चीज़ें दे रखी है। इसमें आपको डिटेल में लिखना है सारी चीज़ें ताकि आपको याद रह सके, और आप जब पढ़ाने जाओ तो उसको रेफरेंस के रूप में रख सकते हो। और यहाँ पे एप्लीकेशन आ जाएगी, रेफरेंस बुक अटैच द जॉब, मतलब कौन सी बुक का आप यूज़ कर रहे हो वो, और जॉब ऑफ टाइटल। और इस तरीके से आपकी डेली डायरी आएगी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आ जाएगा, डेली डायरी का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको ये मेंटेन करनी पड़ेगी।